प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे, तभी माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा, हे स्वामी, औरत किस पाप के कारण समय से पहले विधवा हो जाती है? भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती, आज अचानक से तुम मुझसे यह प्रश्न क्यों पूछ रही हो? माता पार्वती ने उत्तर दिया, प्रभु, आज जब मैं पूजा के लिए फूल तोड़ने गई थी तो मैंने कुछ स्त्रियों को देखा जो देखने में एक ही उम्र की थीं। उनमें से एक स्त्री विधवा हो चुकी थी और बहुत दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी, जबकि बाकी उसी उम्र की स्त्रियां अपने पतियों के साथ सुख से जीवन बिता रही थीं। यह दृश्य देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे हैं। हे स्वामी, आप ही मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं निश्चिंत होकर पूछो, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। फिर देवी पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है और सारी उम्र दुखी जीवन व्यतीत करती है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिलती। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि वह कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति के मांगने पर भी नहीं देती। माता पार्वती के तीनों प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव कहते हैं, देवी, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से एक स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर दुखी जीवन व्यतीत कर रही है, जबकि अन्य स्त्रियां सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही हैं। तुम जानना चाहती हो कि ऐसा क्यों है? तो देवी सुनो, मैं तुम्हें इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अधूरी कथा सुनने वालों को अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। फिर माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं इस कथा को पूरा सुनूंगी और संसार की समस्त नारियों तक इस कथा को आपके माध्यम से पहुंचाऊंगी। माता पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाना चाहता हूं जो सुहागन बनकर सुखी जीवन जी रही है। और जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। वह कोई और नहीं बल्कि पुष्कर नरेश के नौकर की पत्नी है। उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है कि उसकी पत्नी चरित्रवान और पतिव्रता है, जिसकी प्रशंसा वह नगर में सबसे करता है और अपने साथियों से उसकी तारीफ करता है। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, उस नौकर की पत्नी की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। धीरे धीरे यह बात राजा के दरबार में पहुंच गई। राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उससे पूछा, तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी चरित्रवान और पतिव्रता है, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि वह पवित्र है और तुम्हारे अलावा किसी अन्य पुरुष को आंख उठाकर भी नहीं देखती? क्या इसका कोई सबूत है? राजा की बात सुनकर नौकर ने कहा, महाराज, मुझे अपनी धर्मपत्नी पर पूरा विश्वास है कि वह पतिव्रता है और मेरे अलावा किसी अन्य पुरुष को नहीं देखती। नौकर की बात सुनकर राजा के एक मंत्री ने कहा, महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्त्री किसी अन्य पुरुष को ना देखे? यह तो असंभव है। फिर मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, यदि मैं इस नौकर की बात गलत साबित कर दूं और उसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दूं तो इसे क्या सजा मिलेगी? नौकर ने कहा, महाराज, यदि महामंत्री जी मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर देते हैं तो आप मुझे फांसी की सजा दे देना, और यदि महामंत्री जी मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। नौकर की बात सुनकर राजा ने कहा कि मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। मंत्री ने यह बात स्वीकार कर ली और नौकर से पूछा, मैं तुम्हारी पत्नी से क्या वस्तु लाऊं जिसे तू मान ले कि मैंने तेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दिया? नौकर ने कहा, महामंत्री जी, मेरी पत्नी से मेरे विवाह के समय पर दहेज में मुझे एक मटका और एक कतार मिली थी।
ये दोनों चीजें मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें एक पतिव्रता स्त्री के लिए सुहाग की निशानी है। अगर तुम ये दोनों चीजें मेरी पत्नी से लाकर मुझे दिखा दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म महामंत्री जी आपने नष्ट कर दिया है। तब मंत्री ने नौकर की यह शर्त मान ली और दरबार से निकलकर नगर में गया। वहां उसने एक जादू टोना करने वाली स्त्री से मुलाकात की, जो असंभव काम भी कर सकती थी। मंत्री ने उसे सारी बात बताई और कहा, तू किसी भी तरह से उस नौकर की पत्नी से मेरा संबंध बनवा दे, इसके बदले तुझे जितना धन चाहिए मैं देने को तैयार हूं। मंत्री की बात सुनकर वह स्त्री बोली, मंत्री जी, आपको यह कहना आसान लगता है, लेकिन वह औरत एक पतिव्रता नारी है। उसे ना धन का लोभ है और ना ही किसी वस्तु का लालच। तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हें मटका और कतार दे देगी? वह तो तेरी ओर थूकेगी और नगरवासी तेरी खाल उतार लेंगे। यह सुनकर मंत्री डर गया और बोला, अगर तू मेरा उससे संबंध नहीं करवा सकती है तो उसके घर जाकर उसका मटका और कतार चुरा कर मुझे दे दे, और उसकी जांघ के पास कोई निशानी हो तो वह भी मुझे बता दे, मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। मंत्री की बात सुनकर उस जादू टोना करने वाली स्त्री के मन में धन का लालच आ गया और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी, लेकिन मुझे मुंह मांगा धन देना पड़ेगा। मंत्री ने कहा, ठीक है। फिर वह स्त्री नौकर के घर में वेशभूषा बदल कर गई और नौकर की पत्नी से बोली, बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूं, मैं कई सालों बाद आई हूं। नौकर की पत्नी ने कहा, आप इतने सालों बाद आई हैं इसलिए मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, इसलिए पहचान नहीं पाई। इस प्रकार वह स्त्री नौकर के घर में बुआ बनकर रहने लगी। नौकर की पत्नी ने उसे बुआ समझकर बहुत आदर सम्मान दिया, मगर उसे यह नहीं पता था कि इस जादू टोना करने वाली स्त्री को मंत्री ने उसके साथ छल करने और उसका पतिव्रता धर्म नष्ट करने के लिए भेजा है। अब वह स्त्री नौकर के घर में मजे से रहने लगी और नौकर की पत्नी के ऊपर झूठा प्यार जताने लगी। एक दिन नौकर की पत्नी स्नान करने के लिए स्नान गृह में गई। थोड़ी देर बाद वह स्त्री भी वहां पहुंची और उसकी कमर रगड़ने लगी। उस पतिव्रता औरत ने बहुत मना किया, लेकिन वह स्त्री नहीं मानी और कहने लगी, तुम मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यारी लगती हो, तुम मना मत करो, काफी दिनों के बाद हमारी मुलाकात हुई है। ऐसा कहकर वह स्त्री उसे बातों में उलझाने लगी। मौका पाकर उसने उस औरत के गुप्तांग के पास जांघ पर एक तिल देख लिया। उस जादू टोना करने वाली स्त्री ने यह देख लिया और उसका काम बन गया। स्नान के बाद नौकर की पत्नी घर के अन्य काम करने लगी। इसी बीच उस स्त्री को मटका और कतार चुराने का मौका मिल गया और उसने दोनों चीजें चुरा ली। वह सीधा मंत्री के पास पहुंची और मटका और कतार उसे दे दिया। उसने मंत्री को यह भी बताया कि नौकर की पत्नी की जांघ पर तिल है। मंत्री मटका और कतार लेकर सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से कहा, महाराज, मैं नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन रहकर आया हूं और ये मटका और कतार उसी ने मुझे दिया है। मंत्री की बात सुनकर राजा ने तुरंत दरबार लगाया और नौकर को बुलाया। मंत्री ने दरबार में मटका और कतार दिखाते हुए कहा, महाराज, मैंने नौकर की शर्त पूरी की और भरे दरबार में यह भी कहा कि नौकर की पत्नी की जांघ पर तिल है। यह सुनकर नौकर मान गया कि उसकी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से नष्ट कर लिया है। अब नौकर का अपनी पत्नी से विश्वास उठ गया। फिर राजा ने शर्त के मुताबिक नौकर को फांसी की सजा सुनाई और 21 दिन बाद फांसी देने का आदेश दिया। नौकर की मृत्यु का दिन समीप आने लगा और अंततः वह दिन आ ही गया जब उसे फांसी देना था। जब उसे फांसी के फंदे के पास लाया गया तो उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। नौकर ने कहा कि वह आखिरी बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता है। राजा ने उसे अनुमति दे दी। नौकर कुछ दिन की इजाजत लेकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि उसने उसके साथ विश्वासघात किया है। उसने राजा के सामने मंत्री से शर्त लगाई थी कि उसकी पत्नी चरित्रवान और पतिव्रता है और अगर कोई इसे नष्ट कर देगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। अब उसे फांसी दी जाएगी क्योंकि उसकी पत्नी ने पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया। नौकर की बात सुनकर उसकी पत्नी ने बताया कि एक स्त्री जो उसके पति की बुआ बनकर आई थी,
उसे धोखा दिया। लेकिन नौकर को अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वह राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा ने किसी कारणवश नौकर की फांसी की सजा कुछ दिन के लिए टाल दी और उसे कैद में डाल दिया। नौकर की पत्नी अपने पति को निर्दोष साबित करने के लिए राज दरबार में नाचने वाली औरत की वेशभूषा धारण करके पहुंची और राजा से नृत्य दिखाने की आज्ञा मांगी। राजा ने उसकी सुंदरता देखकर नाचने की आज्ञा दे दी। महल के नौकरों ने नृत्य की व्यवस्था की। नौकर की पत्नी ने नाचना शुरू किया और राजा उसके नृत्य से बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने कहा कि वह जो भी मांगेगी उसे मिलेगा। नौकर की पत्नी ने कहा कि दरबार में एक चोर है जिसने उसकी सोने की अंगूठी चुराई है और उसे फांसी की सजा दी जाए। राजा ने पूछा कि चोर कौन है। नौकर की पत्नी ने कहा कि मंत्री ने उसकी अंगूठी चुराई है और उसे फांसी की सजा दी जाए। मंत्री ने कहा कि उसने कभी उस स्त्री को नहीं देखा और न ही उसकी अंगूठी चुराई है। जैसे ही मंत्री ने कहा कि उसने स्त्री को कभी नहीं देखा, नौकर की पत्नी अपने वास्तविक वेशभूषा में आ गई और कहा कि मंत्री ने उसे पहले कभी नहीं देखा तो वह मटका और कतार कहां से लाया है। उसने बताया कि वह उसी नौकर की पत्नी है जिसे फांसी दी जाने वाली है और उसे मंत्री की सच्चाई बताने के लिए गणिका की वेशभूषा में आना पड़ा। उसने बताया कि मंत्री ने एक जादू टोना करने वाली स्त्री को उसके पति की बुआ बनाकर भेजा था और उसने धोखे से मेरी जांघ के तिल का पता लगाया और उसी स्त्री ने यह मटका और कतार चुराकर इसे दे दिया। आपके मंत्री ने इसके बदले उसे बहुत सारा धन दिया है और मेरे साथ यही छल हुआ है महाराज। मैं आज भी पतिव्रता हूं। स्त्री की इस बात को सुनकर राजा ने उसे बुलाया। फिर उस स्त्री ने राजा के डर से मंत्री की सारी सच्चाई बता दी, जिससे राजा ने उस नौकर को अपनी कैद से रिहा कर दिया और उसकी जगह मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। कथा को आगे बताते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ और मैं कभी भी अपने मुंह से अपने पति का नाम तक नहीं लेती हूँ। इस प्रकार भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, कथा पूरी हो गई। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्रियां अपने मुंह से अपने पति का नाम लेती हैं और उन्हें हमेशा नाम से ही बुलाती हैं, वे स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं और बिना पति के दुखी जीवन व्यतीत करती हैं। क्योंकि यदि कोई स्त्री अपने पति का नाम मुंह से लेती है तो पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उस स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है और स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर एक दुखी जीवन जीती है। बस यही कारण है कि तुम जिन स्त्रियों की बातें कर रही थी उनमें से एक विधवा इसी कारण से हुई है और उनमें से एक नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। यह स्त्री कभी भी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती थी, जिसके कारण वह आज भी सुहागन है और सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। और वह स्त्री जो समय से पहले विधवा होकर दुखी जीवन जी रही है, वह हमेशा अपने पति को नाम लेकर बुलाती रहती थी, जिसके कारण उनके पति की उम्र कम होती चली गई और फिर उसके पति की मृत्यु समय से पहले ही हो गई। आज वह औरत दुखी जीवन जी रही है, इसलिए किसी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है और वह पति के होते हुए भी सदा दुखी जीवन जीती है? तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति के बिना अनुमति लिए कहीं भी चल देती है, वे कभी सुखी जीवन नहीं जी पाती हैं। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी ही रहती हैं और उन्हें पति का प्रेम कभी नहीं मिलता। फिर भगवान शिव माता पार्वती से है, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती है? तो समझ लो, वह चीज गाली है। जो एक संस्कारी और चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को नहीं देती है और जो स्त्रियां अपने पति को गाली देती हैं, वह स्त्रियां कभी चरित्रवान नहीं होती और ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं। उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता और समय से पहले ही ऐसी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। और इस प्रकार माता पार्वती कथा सुनने के बाद अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर पाकर संतुष्ट हो जाती है और कहती है, क्या प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती है? तब भगवान शिव कहते हैं,
हे देवी, आपको एक नई कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूं, कृपया इसे भी ध्यान से सुने। एक गांव में एक बीमार महिला रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थीं। उसके पति का जवानी में ही निधन हो गया था। तीनों बच्चियों को पालने का भार उस बेचारी महिला पर आ गया था, हाश गया था। तीनों बच्चों को लेकर वह विधवा जाए तो कहां जाए, कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ नहीं करने देती थीं। बेचारी लाचार, उस महिला को कोई भी सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में वह बीमार पड़ गई। उसे उन बच्चियों की काफी चिंता थी कि किस तरीके से इनका पालन पोषण होगा। इन्हीं बातों को सोच सोच कर एक दिन उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई और लग रहा था कि अब उसका अंतिम समय भी निकट आ गया था। यमराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने के लिए धरती पर आया, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह दुविधा में पड़ गया। उसने देखा महिला जमीन पर पड़ी हुई है और उसके आगे पीछे कोई भी नहीं, सिर्फ उसकी 3 बेटियां हैं जो उसके ऊपर सिर रखकर पड़ी हुई हैं और रोए जा रही हैं। वह बच्चियां अपनी मां को रो रोकर जगा रही थीं। यह देखकर उस दूत को दया आ गई। फिर दूत ने सोचा कि इनका पिता तो पहले ही मर चुका है, अगर मैं इसी महिला के प्राण लेकर गया तो ये बच्चियां किसके सहारे रहेंगी, कौन इनका पालन पोषण करेगा। यह सोचकर वह देवदूत उस महिला के प्राण लिए बिना ही लौट गया। यमराज कहते हैं, तुम तो उस महिला के प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ कैसे आए। तब देवदूत कहता है, हे स्वामी, मेरी गलतियों को क्षमा करना, मैं चाहकर भी उस महिला के प्राण नहीं ला पाया। अगर मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी खाली हाथ ही लौट कर आते। मैं उस महिला की बच्चियों का दुख नहीं देख पाया। वे रो रही थीं, अपनी मां को जगा रही थीं। उन्हें वहां देखने वाला और कोई नहीं था। अगर मैं उस महिला को ले आता तो उन बच्चियों का ख्याल कौन रखता, उनका पालन पोषण कौन करता। पृथ्वी के लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के कोई किसी का सहारा नहीं बनता। अगर कोई मदद करता भी है तो बदले में कुछ उम्मीद करता है या फिर एहसान के नीचे दबाकर रखना चाहता है। देवदूत ने कहा, हे स्वामी, उस महिला को थोड़ा और समय दे दीजिए ताकि वह अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर यमराज ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, महादेव की बनाई सृष्टि में न कोई क्षण घट सकता है और न ही बढ़ सकता है। उनकी मर्जी के बिना न हम किसी को जीवन दे सकते हैं और न ही समय से पहले मार सकते हैं। महादेव जो करते हैं सबके साथ अच्छा ही करते हैं। तुम कौन होते हो विधाता के नियम को बदलने वाले। तुमने उस महिला को न लाकर भगवान शिव के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, इसलिए तुम्हें इसका दंड भोगना ही पड़ेगा। जिस पृथ्वी के मनुष्यों से तुम्हारी ममता है, उस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपने पापों की सजा को भोगो। तब देवदूत घबरा कर कहता है, हे स्वामी, पृथ्वी लोक से मेरा उद्धार कब और कैसे होगा। यमराज कहते हैं, धरती पर जाकर तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार खिलखिलाकर हंस लोगे, तभी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर यमराज ने उस देवदूत को धरती पर भेज दिया। जैसे ही वह धरती पर पहुंचा, वह मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। जो मनुष्य जन्म लेता है उस समय वह नग्न ही होता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया और वह निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे अपने आप को पड़ा हुआ पाया। धरती पर उस समय काफी ठंड थी, वह ठंड से ठिठुर रहा था। वहां से एक मोची गुजरा, जिसने देखा कि एक व्यक्ति ठंड से ठिठुर रहा है। फिर वहां मोची अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में उसने एक ठंड से कांपते हुए नग्न व्यक्ति को देखा और उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े नहीं खरीदे, बल्कि उस नग्न व्यक्ति के लिए कपड़े और कंबल खरीद लिए और उसे दे दिए। वह व्यक्ति कहने लगा, भाई, आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपने मुझे ठंड से बचा लिया, लेकिन मेरे पास न कोई घर है, न कोई परिवार और न ही कोई भोजन का साधन है। तब मोची बोला, हे भाई, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूंगा। और वह मोची उस व्यक्ति को लेकर घर पहुंचा। उधर मोची की पत्नी ने देखा
कि उसका पति तो बच्चों के लिए कपड़े लाने गया था, लेकिन कपड़े तो नहीं लाया, उल्टा एक आदमी को घर बुला लाया है। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगी और उसे बुरा भला कहने लगी। यह देखकर वह देवदूत जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा, अरे भाई तुम हंस क्यों रहे हो, ऐसा क्या देख लिया? तब देवदूत ने कहा, भाई मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको नहीं बता सकता, समय आने पर मैं आपको स्वयं ही बता दूंगा। देवदूत मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के बनाए जूते और चप्पल खूब बिकने लगे। कुछ ही दिनों में मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते प्रचलित हो गए थे, यहां तक कि राजा महाराजा भी उससे जूते बनवाने लगे थे। जिस दिन वह देवदूत उसके घर आया था, उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी, धन की कोई भी कमी नहीं रही, सब कुछ अच्छा चलने लगा। एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर उस मोची के पास आया और बोला, देखो हमारे महाराज इसी चमड़े के बने जूते पहनना चाहते हैं, यह चमड़ा बहुत कीमती है, तुम इससे एक जोड़ी जूते तैयार कर दो और यह चमड़ा किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखना, इस चमड़े से सिर्फ जूते ही बनने चाहिए, गलती से भी इसकी चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला जाता है। उधर मोची ने भी देवदूत को समझाया कि देखो राजा वाली बात है, इसमें कोई गलती ना करना, चमड़ा भी बहुत कम है इसलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए, जूते ही बनाना, जूते की जगह गलती से चप्पल मत बना देना, अगर गलती हो गई तो कठिन से कठिन सजा मिलेगी। मोची के इतना समझाने के बावजूद भी देवदूत ने चमड़े की चप्पल ही बना दी। चप्पल देखकर मोची की सांसें फूल गईं। वह देवदूत को डांटने लगा, यहां तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा और कहने लगा, अबे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया था कि जूते ही बनाना है लेकिन तूने चप्पल बना दी, अब राजा हमें छोड़ेगा नहीं, तू भी मरेगा और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा, वह हमारे पूरे परिवार को फांसी लगवा देगा। मोची को अत्यंत दुखी देखकर देवदूत एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगा। फिर मोची बोला, अबे मूर्ख व्यक्ति, काम बिगाड़कर अब हंस रहा है, वो देखो जूते लेने राजा का सैनिक आ गया। जैसे ही सैनिक वहां पहुंचा और बोला, भाई कल जो मैं चमड़ा देकर गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहां की प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर अर्थी पर लेटाया जाता है। सैनिक की बात सुनकर मोची को ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में जान आ गई हो। उसके हाथ से डंडा छूटकर गिर गया और उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और उससे माफी मांगने लगा। देवदूत मोची की इस हरकत पर जोर जोर से हंस रहा था। मोची ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? तो देवदूत ने कहा, समय आने पर इसका भी जवाब दूंगा। फिर वह सैनिक इतना कहकर वहां से चला गया। दूसरे दिन एक बुढ़िया के साथ तीन लड़कियां उस मोची की दुकान पर आईं। उनकी शादी होने वाली थी और वे तीनों अपने लिए जूतों की नाप देने आई थीं। देवदूत ने तीनों लड़कियों को पहचान लिया कि ये वही लड़कियां हैं। उस लड़की की मां को न ले जाने के कारण आज मैं अपने किए कर्म की सजा भोग रहा हूं। अब ये लड़कियां काफी बड़ी हो गई हैं, लगता है इन लड़कियों की अच्छे घर में परवरिश हुई है। बुढ़िया ने कहा, हां बेटा, बचपन में इनकी मां चल बसी इसलिए मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है और दुर्भाग्य से मेरी कोई संतान नहीं है, तो मैंने इन्हें अपने पास ही रख लिया। मैंने इन्हें पढ़ाया लिखाया और अब इनकी बहुत अच्छे खानदान में शादी करने जा रही हूं। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचता है, महादेव जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, अगर उस समय इनकी मां नहीं मरती तो आज ये भूखमरी और दरिद्रता में ही पड़ी रहती। इनकी मां के मरने के बाद आज ये तीनों लड़कियां बहुत बड़े घराने की बहू बनने जा रही हैं और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालकिन भी बन चुकी हैं। ये सब देखकर देवदूत अपनी पहले की मूर्खता को सोच सोच कर जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं, अपनी हंसी का कारण बताइए। देवदूत ने मोची से कहा, मैं एक देवदूत हूं और अभी जो ये तीनों लड़कियां जूते की नाप देकर गई हैं, इनकी माता को मैं लेने आया था, लेकिन उस समय ये तीनों छोटी छोटी थीं और इन पर तरस खाकर मैं इनकी मां को नहीं ले गया। इनके पिता का पहले ही निधन हो चुका था,
इस कारण मुझे यमराज ने श्राप देकर धरती पर भेज दिया था। मैं बिना कपड़ों के एक सड़क के किनारे पड़ा था। तब तुम मुझे अपने घर ले आए। उस समय तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी, क्योंकि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसे से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए थे। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर खूब हंसा था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने से तुम्हारे घर में होने वाला था। और दूसरी बार मुझे हंसी तब आई जब तुम राजा के जूते नहीं बना पाए और तुम डंडा लेकर मेरे पीछे भागे। उस समय तुम राजा के बारे में सोच रहे थे, लेकिन तुम्हें यह नहीं मालूम था कि राजा के साथ क्या घटना घटने वाली है, जिसके कारण राजा को जूतों से अधिक चप्पलों की आवश्यकता पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि जिन चीजों को देखकर या सोचकर हम दुखी होते हैं, हम उसे देख नहीं पाते जो अच्छा होने वाला होता है। कई बार महादेव हमारी भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करते हैं, पर हम उसे देखकर भगवान को कोसते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते जो हमारे साथ भविष्य में होने वाला है। कई बार हमारे साथ वर्तमान में अच्छा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम यह नहीं देख पाते कि भविष्य में क्या होने वाला है। हमारे जीवन में दो तरह की घटनाएं होती हैं, अच्छी और बुरी, लेकिन हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि भगवान जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। इसी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। अच्छे लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके साथ बाद में अच्छा होता है, और दूसरा कारण यह है कि अच्छे लोग हमेशा ईश्वर से जुड़े रहते हैं। अंत में देवदूत मोची को सब कुछ समझा कर वापस यमराज के पास चला जाता है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।